एक बार देवलोक में इंद्र ने वशिष्ठ से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलता हो। वशिष्ठ ने कहा, राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे ही राजा हैं। पर ऋषि विश्वामित्र जो वहीं थे, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो धरती पर राजा हरिश्चंद्र के महल पहुंच गए, जहां राजा सोने की अशर्फियां दान कर रहे थे। ऋषि ने राजा से दान में पूरा सोना मांग लिया। इस बात को राजा ने पूरे दिल से स्वीकार किया, और ऋषि ने कहा, मुझे जब जरूरत होगी मैं आकर मांग लूंगा। कुछ दिन बाद राजा शिकार के लिए जंगल गए। वहां पर ऋषि तप का ढोंग करने लगे और उन्होंने एक स्त्री की आवाज निकाली, अरे कोई रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो। राजा और उनकी सेना फटाफट मदद के लिए ऋषि के पास पहुंची, जिस वजह से ऋषि की साधना भंग हो गई और ऋषि क्रोधित हो गए, और भुगतान में उन्होंने राजा का पूरा राजपाट मांग लिया, जिसे राजा ने फिर से पूरे दिल से स्वीकार किया। अगले दिन राजा, उनकी पत्नी साइबिया और उनका बालक रोहिताश्व साधारण वस्त्र पहनकर ऋषि को राजपाट सौंप कर बाहर की ओर जा ही रहे थे कि प्रजा का एक व्यक्ति राजा को आकर कहता है कि सहज रूप से कही बात को पत्थर की लकीर क्यों मान रहे हैं आप? अगर आप राज्य छोड़ देंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। जिस पर हरिश्चंद्र कहते हैं, अब ऋषि आपके राजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। पूरा परिवार एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगा। उतने में ऋषि राजा के पास पहुंच गए सोना मांगने, जो राजा ने दान किया था जब वो राजा थे। हरिश्चंद्र धर्म संकट में फंस गए, फिर भी उन्होंने ऋषि से रात्रि तक का समय लिया। ये सुनकर साइबिया ने प्रस्ताव रखा कि मैं किसी सेठ की दासी बनकर ऋण चुकाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। हरिश्चंद्र ने दिल पर पत्थर रखकर ये कठोर कदम उठाया। जो पैसा मिला उसे ऋषि को दिया, जिस पर ऋषि ने कहा, अरे ये तो सिर्फ आधा ही भाग है। फिर ऋषि ने कहा, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कर मुक्त कर दूंगा। पर हरिश्चंद्र नहीं माने। हरिश्चंद्र ने कुछ घंटे और मांगे और फिर बाजार में खुद को भी बेचने का प्रस्ताव रखा। इस दाम में सिर्फ गांव का चंडाल ही तैयार था। हरिश्चंद्र ने ऋषि से कहा, शेष ऋण के लिए क्यों ना आप ही मुझे अपना सेवक बना लेते हैं। ऋषि ने कहा, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कर मुक्त कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने फिर उनकी बात नहीं मानी। ऋषि ने अपनी क्रूरता दिखाई और अपना सेवक बनाते ही हरिश्चंद्र को चांडाल का सेवक बनने को कहा। चांडाल ने हरिश्चंद्र को उनकी सारी जिम्मेदारियां बताई, जो थी पेड़ काट कर लकड़ी लाना, अंतिम क्रिया का कर वसूलना और कोई भी गुनहगार को बलि चढ़ाना। 12 महीने तक हरिश्चंद्र ने ये कार्य पूरी निपुणता से किया। दूसरी ओर साइबिया भी अपना काम निपुणता से कर रही थी। एक दिन साइबिया ने रोहिताश्व को लकड़ी लाने के लिए कहा। वहीं पर सांप ने उसे काट लिया, और जब तक उसकी माँ वहां पहुंचती, उस छोटे से बच्चे ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। साइबिया ने अपने सेठ से जाने की अनुमति मांगी तो सेठ ने कहा, ये बात है, तुम बिल्कुल जा सकती हो, पर घर का सारा काम खत्म करने के बाद। साइबिया को सारा काम खत्म करने में शाम हो गई और शमशान पहुंचते रात। आधी जली लकड़ियों को इकट्ठा करके वो चिता को आग देने ही वाली थी कि घोर अंधेरे से आवाज आई, आपको अंतिम संस्कार का कर देना होगा। साइबिया ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और साइबिया ने अपनी कहानी बताई। हरिश्चंद्र ने कहानी सुनते ही मशाल बच्चे की ओर करी और फूट फूट के रोने लगा, और उसने साइबिया को कर की राशि लेने के लिए सेठ के पास भेज दिया।
साहिबिया रोते रोते जंगल पार कर ही रही थी कि एक आदमी ने उसे रोका और रोने का कारण पूछा। तो साहिबिया ने उसे अपनी विवशता बताई तो उस आदमी ने एक पोटली दी और जंगल में गुम हो गया। कुछ सैनिकों ने साहिबिया के हाथ वो पोटली देखी जिसमें चोरी के आभूषण थे और साहिबिया को चोर समझ लिया और उसे बंदी बनाकर न्यायाधीश के पास ले गए। साहिबिया की कहानी पर न्यायाधीश को भरोसा नहीं हुआ और उसने मृत्यु दंड दे दिया। जब साहिबिया की बलि चढ़नी थी तो हरिश्चंद्र को कुल्हाड़ी सौंप दी गई। यह देखकर हरिश्चंद्र के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, ऋषि ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारी पत्नी मुक्त हो जाएगी और बेटा जीवित हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। और फिर से कुल्हाड़ी उठाई और साहिबिया की गर्दन पर निशाना लगा दिया। इस तरह सच्चाई के मार्ग पर चलना क्या आज की दुनिया में पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? जरूर बताइएगा कमेंट्स में क्या लगता है आपको। हरिश्चंद्र ने अपना परिवार, अपना राज्य, सब कुछ दांव पे लगा के ठीक किया। अगर इस वीडियो को 2000 व्यूज मिलते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसमें छुपे मॉरल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट।